ऑल इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया गया है कि मुस्लिम वकील को एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया जाए। कन्वेनर एसोसिएशन एडवोकेट मिर्ज़ा निसार अहमद बेग ने अपने साथियों के हमराह मीडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए यह बात बताई। निसार अहमद ने बताया कि साल 1956 में तश्कील आंध्र प्रदेश के बाद से 67 साल में मज़कूरा ओहदों पर एक भी मुस्लिम एडवोकेट को मुकर्रर नहीं किया गया, हालांकि मुस्लिम बरादरी में कई काबिल वकला मौजूद हैं। मज़ीद ये कि मुतवातिर हुकूमतों की जानिब से गवर्नमेंट प्लीडर, असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लीडर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तकर्री अमल में आई, मगर मुस्लिम वकला की तादाद के तनासुब से बहुत कम है। लिहाजा मौजूदा तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया गया है कि इस बार मुस्लिम वकला को मौका देकर अपने सेक्युलर होने का सबूत दें। मैं मिर्ज़ा निसार अहमद बेग, एडवोकेट कन्वेनर ऑल इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब कर रहा हूँ। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करने का मकसद ये है कि हमको जो रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन से पहले प्रॉमिसेस किए थे वो प्रॉमिसेस फुलफिल करो, हमारा डिमांड है। और सबसे अहम चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैं 1956 में आंध्र प्रदेश फॉर्म हुआ, 1956 से जो है कोई भी मुसलमान एडवोकेट को आज तक एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट नहीं दिए। दूसरे जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट लीडर के, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, असिस्टेंट गवर्नमेंट लीडर्स के, ये पोस्ट मिले हैं, मगर काबिल विकला जो भी हैं मुसलमानों में वो लोगों को किसी को भी तरजीह नहीं दिया गया। अब ये लोग क्योंकि रिक्वेस्ट हमारे प्रॉमिसेस किए हैं कि हम देंगे और मुसलमान सारे इनके ऊपर उम्मीद करके अपने अपने वोट इन कांग्रेस के फेवर में देके इनको फिर से पावर में लेकर आए, तो अब इनकी बारी ये है कि मुसलमानों को जो प्रॉमिस किए हैं वो फुलफ़िल करें। प्रॉमिस फुलफ़िल करने के लिए जो है हमको एडवोकेट्स को जो पोस्ट 67 ईयर्स हो चुके हैं अब तक नहीं मिले, वो पोस्ट अगर देते हैं कांग्रेस वाले तो कांग्रेस गवर्नमेंट एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है। हम उस तरफ भी उनकी तवज्जो दिला रहे हैं कि आप दूसरे गवर्नमेंट की तरह हमको नेगलेक्ट मत करो, नज़रअंदाज मत करो बोल। अब देखना यह है कि आने वाले जो MP के इलेक्शंस हैं उसमें भी ये लोग अपना भरोसा कायम रख के हमारे वोट लेते हैं या हमारे को नेगलेक्ट करके बोलते हैं कि भाई हमारी बुरी आदतें इतनी आसानी से नहीं मरते और हम जो है सिर्फ प्रॉमिस करने वाले हैं, देने वाले कुछ नहीं। अब देखना है घोड़ा मैदान सामने, कांग्रेस क्या करेगी क्या है उनके ऊपर है। हमारी बात आपके ज़रिए रेवंत रेड्डी साहब तक, कांग्रेस की गवर्नमेंट तक, उनके हाईकमांड तक पहुंचाना हमारी कोशिश है, ताकि कल वो ये नहीं बोलें कि आप आए नहीं हम नहीं दी। आज हम आपके पास आए हैं, इंटरव्यू नहीं मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमारी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, आप सुनिए और इसके अमल में लाइए, आपकी प्रॉमिसेस को फुलफिल करें। मुस्लिम वकला अहलियत के तकाज़ों को पूरे करते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करते हैं। कितने एडवोकेट्स होंगे ऐसे? देखिए अब एट प्रेजेंट खाली हैदराबाद में जो है 3,500-4,000 एडवोकेट्स हैं, मुस्लिम एडवोकेट्स, उसमें जो हैं लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी हैं तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना में उससे और ज़्यादा है। तो ये जो आप पोस्ट फुल करने की ज़रूरत बता रहे हैं उसके लिए इतने हज़ार एडवोकेट्स हैं? नहीं देखिए, पोस्ट तो एक है एडवोकेट जनरल का, एडिशनल एडवोकेट जनरल के दो पोस्ट हैं। BRS गवर्नमेंट सिर्फ एक ही एडिशनल एडवोकेट जनरल रखे थे, एक को नहीं रखे। अब कांग्रेस क्या रखते हैं क्या नहीं उनके ऊपर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसका एक पोस्ट होता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स दो होते हैं, तो उसमें फिर उन्होंने कितने रखेंगे उनके ऊपर है, क्योंकि ये क्या है, क्लाइंट अपने वकील को सेलेक्ट करने के प्रोसेस है। अब वो लोग जो हैं एक वकील को रख के भी काम ले सकते, चार वकील को भी रख के काम ले सकते, उनकी खुशी के ऊपर है। तो मेरिट बेसिस पे क्या पोस्ट नहीं दिया जाता? मेरिट बेसिस पे देते हैं, मगर अब क्योंकि पॉलिटिकल पोस्ट हो गया ये, तो मेरिट बहुत पहले ख़त्म हो गया। तो फिर अब तो सरकार के डिस्क्रिप्शन पे ही रहेगा? डिस्क्रिप्शन पे, अब से नहीं, 1956 से हो गया। तो अब आप किन किन एडवोकेट्स का नाम लेंगे जो हकदार है
मुस्तहक है। बहुत बहुत मुस्लिम एडवोकेट्स पोस्ट जो है काबिल हैं, हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स हैं, बहुत एक से एक सीनियर एडवोकेट्स हैं। जैसे कि हमारे देखिए अली फारूक एडवोकेट हैं, और फिर हमारे मुफीद कुरैशी हैं, फिर देखिए हमारे यमे के मुफीद हैं, और जेड एच जावेद हैं, ये दोनों बार काउंसिल के मेंबर्स भी हैं। मैं भी और हमारे दूसरे वकला भी मुस्लिम और दीगर मुस्लिम वकला भी हैं जो काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस जिम्मेदारी को बड़ी आसानी से संभाल सकते हैं। गवर्नमेंट को गाइड भी करेंगे कि उनकी एक्सपर्टाइज से कि उनके केसेस क्यों वो लोग हार रहे हैं, और जीतना चाहे तो कैसा जीतना चाहे। ये तो अब अगर कांग्रेस हुकूमत मुस्लिम एडवोकेट को पोस्ट नहीं देती है तो आप लोगों का अगला इकदाम क्या रहेगा? कुछ नहीं, बस देखिए हम पब्लिक को अवेयर करेंगे कि गवर्नमेंट जो है कांग्रेस गवर्नमेंट फिर से अपने जो भरोसा हम उनके ऊपर किए थे वो भरोसा ख़त्म हो गया। अब आगे जो दूसरे प्रॉमिसेस हैं वो क्या होंगे क्या नहीं होंगे अल्लाह आलम बिस्सवाब। दूसरे प्रॉमिसेस के लिए तो जंगी खतूत पे काम हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्द पार्लियामानी इंतखाबात हैं, तो अगर वो प्रॉमिस फुलफ़िल करेंगे तो उनके चांसेस बनेंगे। बिल्कुल, तो उसी में अगर आप अपनी तहरीक मजबूत करेंगे तो हो सकता है एक मुस्लिम एडवोकेट को कोई पोस्ट मिल जाए। जी, हमारी कोशिश वही है कि एक मुस्लिम एडवोकेट को जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल का पोस्ट दे या एडवोकेट जनरल का पोस्ट दे, और आज तक जो 67 इयर्स में जो काम नहीं हुआ वो करके कांग्रेस हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है, ये बताने के लिए कि देखो हम मुसलमानों को हम कितना अजीज़ रखते हैं, कितना करीब रखते हैं, अपनी प्रॉमिसेस को किस तरह फुलफ़िल करते हैं, ये वो बता सकते हैं। मैजेस्टिक स्वीट्स, पिछले 22 साल से आपके खिदमत में लजीज मिठाई और नमकीन पेश करते आ रहे हैं। मैजेस्टिक स्वीट्स की मिठाई बिलखसूस अजमेरी खलाकंद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूर और मारूफ है। ताज़ी जायकेदार मिठाई और नमकीन के लिए तशरीफ लाइए मैजेस्टिक स्वीट्स एंड सेवरीज मेहदीपट्टनम, मैजेस्टिक स्वीट्स एंड नमकीन टोली चौकी हैदराबाद। नाम रखाई के स्पेशल लड्डू या गिफ्ट पैक ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 81253-59745 या 9885875153 पर।